उत्तर प्रदेश में आपने बुलडोजर चलता हुआ देखा होगा, लेकिन बुलडोजर की ये कार्रवाई राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। दिल्ली के शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये खबर आपको बताते हैं। शाहीन बाग में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। शाहीन बाग में पुलिस के साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है और एमसीडी की बुलडोजर एक्शन के विरोध में अतिक्रमणकारी आए हैं सामने। अतिक्रमणकारियों ने खुद ही सामान हटा लिया है। इससे पहले भी तस्वीरें सामने आई थी, कुछ अतिक्रमणकारियों ने खुद ही सामान हटाया, लेकिन आज एक बार फिर से जब एमसीडी का बुलडोजर शाहीन बाग पहुंचा तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने तो वहां से अपना सामान हटा लिया, लेकिन कुछ ने नाराजगी भी जाहिर की कि पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया और उसके लिए भी समय दिया जाना चाहिए था। तो शाहीन बाग से दिल्ली के ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने बुलडोजर जगह जगह चलता हुआ देखा होगा, लेकिन बाबा का ये बुलडोजर बाकी राज्यों में भी अब चलता दिख रहा है। बाबा का ये बुलडोजर, उसकी कार्रवाई सभी राज्यों को पसंद आ रही है, लिहाजा चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, अब इसके बाद दिल्ली में भी शाहीन बाग में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। सीआरपीएफ ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और प्रदर्शनकारियों में कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब बाबा का बुलडोजर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में गरज रहा है, उत्तराखंड में भी इसी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की गई और बुलडोजर की कार्रवाई अतिक्रमणकारियों के खिलाफ दिल्ली में भी की गई, शाहीन बाग में आज ये कार्रवाई की गई, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया उस कार्रवाई के खिलाफ, जिसके बाद सीआरपीएफ मौके पर मौजूद थी। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बवाल की तस्वीरें। शाहीन बाग आज एमसीडी का बुलडोजर पहुंचता है, अवैध अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई पीले पंजे द्वारा की जाती है, लेकिन उसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी सामने आते हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे शाहीन बाग का ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद है, कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की है, नोटिस पहले नहीं दिया गया और अगर दिया गया तो कुछ समय दिया जाना चाहिए था। इससे पहले हमने जहांगीरपुरी में यह कार्रवाई दिल्ली में देखी थी, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे, और उसके बाद अब शाहीन बाग में यह कार्रवाई देखने को मिली है, जहां आज सुबह जब एमसीडी का बुलडोजर पहुंचता है कुछ लोगों ने विरोध भी जाहिर किया और उसके बाद में ये देखिए कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। हालांकि जैसे ही बुलडोजर पहुंचा है वहां कुछ अतिक्रमणकारियों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया, वहां से अपने अपने अवैध अतिक्रमण को हटाया है, लेकिन इस बीच सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे, बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।